नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष। महंगाई से आप भी परेशान होंगे, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर इस महंगाई की रफ्तार रुक नहीं रही है, उन्हें जीना भी उनका मुश्किल हो गया है। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई फरवरी में लगातार दूसरे महीने बढ़कर पिछले 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। थोक मूल सूचकांक आधारित महंगाई दर फरवरी में 4.17% रही, जो इस साल जनवरी में 2.03% और पिछले साल फरवरी में 2.26% थी। पिछले हफ्ते में आए आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर फरवरी में 5.03% रही थी। खाने पीने के सामान के थोक दाम में महंगाई पिछले महीने 3.31% रही। साल के पहले महीने में उनका थोक दाम सालाना आधार पर 0.26% घटा था। फरवरी में सब्जियों के दाम में 2.90% की गिरावट आई, जबकि फरवरी में उनके दाम सालाना आधार पर 2.82% घटे थे। हालांकि में फरवरी में दलहन का दाम 10.25% बढ़ गया, जबकि फलों के दाम में 9.48% का इजाफा हुआ। पिछले एक साल से लोगों के जिस तरह से गंभीर संकट से गुजरना पड़ रहा है, खास तौर पर आर्थिक मुश्किलों से, उसमें अब और महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। करोड़ों परिवार के पास में काम धंधा नहीं है और दो वक्त की रोटी की जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार से त्रस्त मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का बड़ा हिस्सा बना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करता है। डीजल महंगा होने का पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है और इससे रोजमर्रा की जरूरतों की हर सामान महंगा होता जाता है। सामान्य स्थितियों में ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को उतार चढ़ाव का आम लोगों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब आय के साधनों में अनिश्चितता छाई हो तो ऐसे में ज़रूरी उपयोग की चीज़ों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी नया तनाव दे जाती है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैस के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यह चिंता की गहरी होती जा रही है कि अगर महंगाई किसी तरह से बेलगाम रही तो कुछ समय बाद आम लोगों के सामने गुजारा करने के कितने विकल्प बचेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय करने की नीति भले ही कुछ भी हो, लेकिन वह इतनी तर्कसंगत तो होनी ही चाहिए कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित ना हो। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम सामान्य स्तर पर बने रहने के लिए बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार अपना खजाना भर रही है। 3 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार यह कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर लग रहे करों में कटौती करने के बारे में सोचना चाहिए। सच्चाई यह है कि सरकार लोगों की मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रही है। खाना पीना कोई बंद नहीं करने वाला, यात्रा लोग करेंगे ही, जरूरत के सामान खरीदेंगे ही। ऐसे में करों की आड़ में आमजन की जेब से जितना पैसा खींचा जा सकता है खींच ले, यह बेरहमी की पराकाष्ठा है। क्या ऐसी सरकारें ही कल्याणकारी होती हैं? पिछले करीब साल भर से महामारी की मार के चलते बाजार से लेकर रोजगार के तमाम क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। हालत यह है कि लोगों की आमदनी तो घट या फिर ठहर गई, लेकिन अमूमन हर वस्तु की मूल्य में बढ़ोतरी के साथ उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं। महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के दौरान करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई और सब कुछ बंद रहने की वजह से आय का भी कोई जरिया नहीं रहा था। उसके बाद क्रमशः ढिलाई के साथ हालात सामान होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि जब कुछ पहले जैसा हो गया है। सच यह है कि भारत में साधारण परिवारों में छोटे स्तर पर की जाने वाली घरेलू बचतों को प्रवृत्ति के चलते लोग कुछ समय तक अभाव का सामना कर लेते हैं, लेकिन अगर इस स्थिति में निरंतरता बनी रहे तो बहुत दिनों तक लोग खुद को
नहीं संभाल सकते। बढ़ती महंगाई पर सरकार को तत्काल रूप से फैसला लेना होगा, जब ही गरीब उभर पाएगा, अन्यथा लोग बाग क्या करेंगे यह भविष्य ही बताएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे नए विषय के साथ। नव समाचार विभाग खबर हर समय देखते रहिए। धन्यवाद।